स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक्निकल लाइक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब वीडियो में सब्सक्राइब बटन ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि आप नीचे वीडियो में देख रहे हैं सब्सक्राइब हो रहा है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दब रहा है। तो ये चीज़ आप अपनी वीडियो में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी एक ग्रीन स्क्रीन का ये सब्सक्राइब बटन डाउनलोड करना होगा जो कि कॉपीराइट फ्री होता है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे वीडियो में एडिटिंग में ले जाकर के किस तरीके से आप अपनी इस सब्सक्राइब बटन को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, लास्ट तक हम आपको इजी स्टेप में सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्रीन स्क्रीन का जो सब्सक्राइब बटन है इसे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है यूट्यूब एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सब्सक्राइब बटन ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इसे सर्च कर सकते हैं और आपको ये वाला जो देख रहे हैं ये 2 मिनट का है, तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, हमें एडिट करना होगा, कट मारना होगा, तो इसे नहीं हम डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर ये 9 सेकेंड का जो मिल रहा है, तो चलिए हम इसे प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इस 9 सेकंड वाले को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, देखेंगे सब्सक्राइब हुआ, नोटिफिकेशन बेल भी दबी। तो आप इसे इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉपीराइट फ्री होता है, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक हम पर नहीं आने वाली, इसीलिए हमने इसे प्ले कर देख लिया। तो यहाँ से आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल हम आपको दूसरी जगह से बता देता हूँ किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से YouTube से डाउनलोड करते हैं और आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर ले चलते हैं। यहाँ पर Pixabay.com नाम की एक वेबसाइट होती है Pixabay.com, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सब्सक्राइब बटन। जैसे दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे सब्सक्राइब बटन आ गए, तो चलिए हम इस वाले पर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सेकंड वाली पर फिर हमने क्लिक किया और तो ये देखेंगे, इसे हम पहले प्ले करेंगे और इसे चला कर देख लेते हैं किस तरीके से ये चलता है। तो कुछ नेटवर्क इशू आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे इस तरीके से सब्सक्राइब बटन, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दब जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर डाउनलोड फ्री का ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर हमें फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी वीडियो का मिल जाएगा MP4, तो यहाँ 1280x720 वाले पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड फाइल और डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो हम अब चलेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग में। तो एडिटिंग के लिए बहुत से एप्लीकेशन हैं, फिलहाल KineMaster सबसे बेस्ट हमें लगता है और हम KineMaster से ही वीडियो एडिट करते हैं। वैसे पावर डायरेक्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, इनशॉट हो गया, बहुत एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं KineMaster में वीडियो एडिट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने KineMaster एप्लीकेशन में। यहाँ पर प्लक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट वाले पर, फिर यहाँ पर अपनी वीडियो का रेशियो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो 16:9 वाले पर हम क्लिक कर लेते हैं और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें अपनी एक वीडियो सेलेक्ट करनी होगी जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपनी जो 42 सेकेंड का यहाँ पर इंट्रो है एक वीडियो का जिसे हम क्रिएट कर रहे थे, उसे पर हमने क्लिक कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसमें अपना जोड़ना चाहें सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो हम पहले इसकी वॉल्यूम कम कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं इस तरीके से, ताकि आपको सुनाई ना दे, ठीक है, नहीं तो ये वॉइस मिस्टेक करेगी। इधर से हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ इस पर हम सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, तो जहाँ पर भी हम बोलें कि हम अब सब्सक्राइब आप कर दीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा और मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड जो हमने वीडियो की है, ठीक है, तो एक यूट्यूब से की है, एक Pixabay.com से की है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई सी भी एक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 सेकंड की है इसकी लेंथ, इस पर हमने क्लिक कर दिया इस तरीके से। इसे क्लिक करने के बाद इसे हम फुल कर देते हैं पूरी डिस्प्ले पर, क्योंकि ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन ये वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसे इनेबल कर देना है। अब इसका जो ग्रीन जो स्क्रीन दिख रही थी वो बिल्कुल चली गई। अगर थोड़ी बहुत मालूम भी पड़े तो नीचे आपको यहाँ पर जो 50% दिख रहा है इसे थोड़ा और बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से अब हम बाइक आ जाते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर प्ले किया तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आया, फिर नोटिफिकेशन बेल दबा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में ये सब्सक्राइब हो गया, नोटिफिकेशन दब गया, तो यहाँ पर इसे हम
इस पर क्लिक करके और कैंची पर क्लिक करके इधर से ट्रिम कर देते हैं ताकि ये यहाँ से आगे कट जाए। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे चाहे ऊपर, जहाँ पर चाहें तहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे पूरी गायन मास्टर से वीडियो को इस तरीके से एडिट करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्सक्राइब बटन अपनी वीडियो में किस तरीके से लगाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यार आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार कह रहे हैं तो आपको कर ही देना चाहिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।